20 लाख करोड़ का पैकेज कहां कहां पे काम आ रहा है उसका आंकलन भी हमको ही करना होगा। ऐसा लगता है कि सरकार ने उसमें भी 3 जोन बना दिए हैं, अमीरों के लिए राहत पैकेज, गरीबों के लिए भाषण और मध्यम परिवारों के लिए आत्मनिर्भरता। ऐसा लगता है जैसे आत्मनिर्भर शब्द से पहले तो सब एक दूसरे पर ही निर्भर थे और उनके भरोसे ही अपना घर चलाते थे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल नारायण और आप देख रहे हैं द टर्म टू। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने स्पेशल ट्रेनें तो चला तो दी हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है ये सब जान चुके हैं। ट्रेनें 4-4, 5-5, 6-6 दिन देरी से चल रही हैं। 30 घंटे का सफर तय करने में 5-7 दिन लग रहे हैं। ऐसे में कई इलाकों से मजदूरों के विरोध प्रदर्शन की खबरें आने लगी हैं। कुछ लोग तो रेलवे ट्रैक पर सोकर विरोध जता रहे हैं और कुछ हैं जो खाली ट्रेनों को रोककर। बिहार के समस्तीपुर में भी 26 मई को मजदूरों का गुस्सा देखने को मिला। एक ट्रेन समस्तीपुर के आउटर सिग्नल पर 20 घंटे की देरी से पहुंची और रुक गई। 2 दिन से भूखे प्यासे मजदूर गुस्से में थे, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। कईयों ने तो गुस्से में अपनी शर्ट उतार दी और पटरी पर लेट गए। इसी दौरान अपलाइन से खाली डिब्बों को लेकर एक ट्रेन गुजर रही थी। मजदूरों ने उसे रोकने के लिए रेलवे लाइन के किनारे जो पटरी रखी होती है उसे ही ट्रैक पर रख दिया। ऐसे में उस खाली ट्रेन को भी रुकना पड़ गया। गर्मी बहुत है, ट्रेनें घंटों लेट हो रही हैं, ऐसे में मजदूरों को खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। इन सबसे गुस्सा है जो भी श्रमिक थे, कई घंटों तक उन्होंने हंगामा किया। आखिरकार उनकी जो ट्रेन है उसे खोला गया, मजदूर उसमें सवार हुए और ट्रेन आगे बढ़ गई। उसके बाद इलाके की पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक पर जो पटरियां थी उन्हें हटाया और अपलाइन को खाली किया। बिहार के समस्तीपुर स्टेशन से कई श्रमिक ट्रेनें गुजर रही हैं, इनमें से करीब 45 ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। इसी लेट लतीफी के चक्कर में 26 मई को स्टेशन पर भयंकर कन्फ्यूजन हो गया। क्या भयंकर कन्फ्यूजन हो गया? दरअसल रेलवे अधिकारियों को भी ट्रेन के सही वक्त की जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उन्हें पता चला कि 06155 मद्रास दरभंगा श्रमिक स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर से गुजरने वाली है, जो कि 27 घंटे लेट थी। उसमें बैठे मजदूर भूखे प्यासे थे, इसलिए उनके लिए सबसे पहले स्टेशन पर खाने के पैकेट और पानी का इंतजाम किया गया। इसी बीच एक और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गुजरी तो लोगों ने उसमें मजदूरों को फूड पैकेट और पानी बांटना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि वो जो ट्रेन थी वो भिवानी से पूनिया जाने वाली ट्रेन थी, लेकिन फूड पैकेट तो खत्म हो चुके थे, बांट चुके थे। फिर जब दरभंगा वाली ट्रेन जिसको देना था वो आई तो पूरा पैकेट खत्म हो गए और पैकेट की कमी हो गई। ट्रेन में सवार लोग और बच्चे हाथों को बाहर निकाल के खाना मांग रहे थे। खाने के लिए लोग ट्रेन से बाहर भी उतर गए, उन्होंने झुंड बना लिया था। प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों के पास जितने भी पैकेट थे उन्होंने सारे दे दिए। बाद में फिर उन्होंने कुछ मूंगफली, नमकीन, बिस्किट के पैकेट बांटे क्योंकि फूड पैकेट खत्म हो गए थे। मजदूर भी काफ़ी सारे पैकेट ले रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि आगे पता नहीं खाना पानी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब इतनी परेशानी क्यों आ रही है? देश के कई हिस्सों से बिहार और बंगाल के लिए एक साथ श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं। चूंकि रास्ता काफ़ी हद तक कॉमन है, ऐसे में इन ट्रेनों का एक बंच सा बन जाता है, इसलिए ये ट्रेनें जो हैं वो लेट हो रही हैं। ट्रेन में सवार लोग भूखे प्यासे हैं, इसलिए कई जगहों पर विरोध हो रहे हैं। उनका कहना है कि स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों में सवार लोगों को खाना पानी मुहैया करा सकें, ये उनकी कोशिश है और वो इस पर काम भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि कोशिशों के चक्कर में अब तक कई मजदूर और जो बच्चे हैं वो भूखे मर चुके हैं या मर रहे हैं। उन सब की मौत की जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं है। अगर इसकी जगह ट्रेन में कोई VIP अटक जाता तो क्या अब भी प्रशासन यही जवाब देता कि कोशिश जारी है? अगर ट्रेन में मजदूर और गरीब की जगह कोई मंत्री या फिर नेता लोग होते तो क्या वो भूख से तड़प रहे होते? मजदूर हैं तो कोशिशें हैं, VIP होता तो कोई ना कोई कामयाबी मिल ही जाती। 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां कहां पे काम आ रहा है उसका आंकलन भी हमको ही करना होगा। ऐसा लगता है कि सरकार ने उसमें भी 3 जोन बना दिए हैं, अमीरों के लिए राहत पैकेज, गरीबों के लिए भाषण और मध्यम परिवारों के लिए आत्मनिर्भरता। ऐसा लगता है जैसे आत्मनिर्भर शब्द से पहले तो सब एक दूसरे पर ही निर्भर थे और उनके भरोसे ही अपना घर चलाते थे। मैं राहुल नारायण, आप देख रहे हैं द टर्म टू।